हेलो दोस्तों, मैं टाइम पास के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी लव बर्ड्स है। मुझे पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है या क्या है। दोनों लड़ते रहते हैं, बड़े बदतमीज है अच्छे। ठीक है, ये मेरे लव बर्ड्स है और मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, रोजी रोजी लव बर्ड्स। ठीक है, और ये मेरा कुच्चू है थॉर, थल्लू पल्लू पादे ढल्लू, है ना बाबा? ये मेरा थल्लू पल्लू है। और इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? इसको बोलते हैं कॉकटेल। कॉकटेल। ये फिंचेस है। और ये कौन सी डव होती है? ठीक है, ये जो कबूतर टाइप की जो होती है, वो घर के बाहर कुकू कुकू करते रहती है, उसी के जात वाली है। और ये जो है, ये अंदर में ये फिंचेस है। इसमें नॉर्मल फिंचेस है और बंगाल फिंचेस है। ये जो इधर वाली है, ये जो इधर वाली है, इधर वाली है, वो है बंगाल फिंची, जो ब्लैक कलर टाइप की, ब्राउन, डार्क ब्राउन वाली। और वाइट वाली जो नॉर्मल फिंच है। ठीक है, और किंग कोबरा के बच्चे का आवाज सुना दो। हाँ, बाद में देखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, एक मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास राक्षस है मेरा किंग कोबरा। और ये तो आपको पता ही होगा, इसको बज्जीज बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं, पागल है तो इतनी कमी नहीं है। देखिए, यहाँ से काट दे रही है। क्यों है कमी नहीं, जो भी पर है, बहुत प्यारी। अभी दिन भर चैचू करती है, पता नहीं अभी क्यों शांत हो गई है। हाँ, बोला बोला। हाँ, ये देखो, ये इसके लिए हम लोग घर बनाए हुए हैं, मतलब थोड़ा सा लगाए हुए हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे इनके लिए बड़ा सा एक केज लगाएंगे, बढ़िया। ठीक है, फिर इनसे ब्रीडिंग लेंगे और इनके बच्चे भी हम लोग रीसेल करेंगे, ये सोचे हैं हम लोग। ठीक है, और ये देखिए, ये थॉर है और ये उडिन है। इतना बड़ा सा जो भी है, अब मैं आपको असली चीज दिखाता हूँ। किंग कोबरा नहीं, इसका नाम लोकी है। ठीक है, हमारे पास एक थॉर है, उसी कारण इसका नाम लोकी रखे हम लोग, ताकि थॉर और लोकी दोनों। देखिए कैसे कैसे, बस इसको खाना है, 24 घंटे खाना है। ये लोकी है, ये हमारा प्यारा सा लोकी है। बस दिन भर खाना है इसको। आकर आकर ठीक है, थॉर बस कभी इससे फ्रेंडली रहता है और कभी सोचता है कि इसको मैं खा लूँ। हमको भी समझ में नहीं आता थॉर चाहता क्या है। मटन समझता है इसको। तुम तो दूर रहो, समझे? तुमको घुसड़ पड़ेगा, घुसड़। गंदा बाबू ये तो बेटू, दो बेटू है। मैं सिर्फ बोलता हूँ भाई, चढ़ जाता है। देख रहे हैं ना, ये कितना प्यारा सा है। अभी खाना खाया हुआ है, थोड़ी देर बाद फिर खाना खिलाएंगे। अभी मैं इसको बंद करके वापस इसकी जगह में रख देता हूँ। लगता नहीं है कभी ठीक से, थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको लगाने। अभी हम यहाँ पे रख देते हैं, धीरे धीरे इसको हम हाथ से खाना खिला के ट्रेन कर देंगे। हफ्ता भर खाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। बाकी ये तो आपको पता ही है, कॉकटेल। अच्छे और मेरे पास ये दोनों पागल के अलावा, ये तो सच में पागल है दोनों, पता नहीं क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से।
बस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। देखो कैसे लड़ रहे, पता ही नहीं चलता मेल है या फीमेल है, पर इनका कलर बहुत सुंदर है। बस कलर के कारण ले आया था दोनों को, बहुत प्यारे से बोलते। दुकानदार ने बोला है कि ये दोनों पेयर है, मेरे को लग तो नहीं रहा है, मेरे को दोनों मेल ही लग रहे हैं ये। ठीक है, उसके अलावा मैं एक छोटा सा प्यारा सा एक्वेरियम है मेरे पास। मैं गया था एक्वेरियम लेने के लिए एक ठोक फाइटर फिश के लिए। फाइटर फिश आपको पता ही होगा बेटा, ठीक है, लेकिन ये जो है ये पैरट फिश है, बड़े बदमाश है। मेरे फाइटर फिश को काट काट के मार डाला इन लोगों ने। ये एक जोड़ी है, लोग एक ये है एक वो है, ठीक है। बाकी फिशेज इनके साथ रह ले रही है, पता नहीं कैसे। मैंने छोटा सा एक तो बीटा टैंक बनाया था, मैं सोचा था कि इसमें रह लेगा, लेकिन क्या करें। चलिए एक और दुख की बात बता देता हूँ आप ही के सामने। मुझे पता चला है कि जो मेरी फाइटर फीमेल थी उसकी भी डेथ हो गई है, इसको भी इन लोगों ने काट के मार दिया है। वो भी पता नहीं बैठ क्यों गए, मेरे को लग रहा है उसका भी काम तमाम हो चुका है। सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है? मुझे लगता सांस नहीं ले रहा है, वो भी मर चुका है। और ये जो मोटू है ना, सिर्फ इसी कारण हो रहा है जो हो रहा है, कह नहीं सकते जो भी है। देखो खैर, अब मरना जीना तो इनका तय रहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये सारी मछली मर जाती है तो मैं इसमें पक्का पिराना ला के डाल दूँगा। भले इतने छोटे से एक्वेरियम में पिराना रहेगा, लेकिन रहेगा पिराना। सही है ना ये? चलिए फिर, और क्या चाहता है पता नहीं, तो जो भी चाहता है। जो नहीं आओगे? चलिए फिर, टाइम पास हो गया अच्छा खासा। बाय बाय।